जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक है ब्लैक होल। दोस्तों इस ब्लैक होल को कृष्ण बीबर के नाम से भी जानते हैं और यह स्पेस में यानी अंतरिक्ष में एक ऐसा जगह होता है जहां पर कि साइंस का कोई भी नियम कानून काम नहीं करता है। और दोस्तों इस ब्लैक होल में जो प्रकाश होता है वह अदृश्य होता है, मीन्स यहाँ पर पूर्ण रूप से अंधेरा ही अंधेरा होता है और इसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि हम अगर प्रकाश देते भी हैं तो यह प्रकाश को जो है कि अवशोषित कर लेता है, उसे बाहर नहीं करता है। हेलो दोस्तों, आज हम सब लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ब्लैक होल क्या होता है और ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है, ब्लैक होल का अंत कैसे होगा और ब्लैक होल ऐसा क्या चीज़ है जहाँ पर साइंस का कोई भी नियम कानून काम नहीं करता है, ब्लैक होल हमारे इस यूनिवर्स में कितने होते हैं, क्या ब्लैक होल से हमारे पृथ्वी को कोई नुकसान है क्या, क्या ब्लैक होल हमारे सूर्य को, पृथ्वी को और बाकी जो प्लैनेट है इन सभी को निगल सकता है क्या, तो ऐसे तमाम चीज़ों की जानकारी जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। और मेरा विश्वास करें कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल क्या है। तो दोस्तों ब्लैक होल स्पेस में यानी अंतरिक्ष में एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे कि साइंस का कोई भी नियम कानून काम नहीं करेगा। दोस्तों हम जो लाइट देते हैं यानी किसी भी चीज़ को लाइट देते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करके हमें किसी भी वस्तु को दिखाता है। तो यानी कि इस ब्लैक होल में अगर हम लाइट देंगे तो ये लाइट को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि जैसे हमारे पृथ्वी पर यानी किसी भी चीज़ को हम छोड़ते हैं, जैसे जैसे अगर किसी भी चीज़ को छोड़े, जैसे हमने यहाँ पे मार्कर लिया और इस मार्कर को ऐसे छोड़ेंगे तो जिस रफ्तार से ये जा रहा है इसका कईयों हज़ार गुना जो है कि रफ्तार उस ब्लैक होल में होता है, मीन्स गुरुत्वाकर्षण वहाँ पे बहुत ही तेज़ी से होता है, बहुत ही मजबूत होता है। इसी के कारण जो है कि वो प्रकाश तक को भी नहीं छोड़ता, मीन्स कोई भी रेडियो एक्टिव तरंग रहे, किसी भी प्रकार की तरंग रहे, यानी उन तरंगों को जो है कि वो अवशोषित कर लेता है और उसे दोबारा वो छोड़ता नहीं है दोस्तों। दोस्तों इस ब्लैक होल में कोई चीज़ गिरती तो है लेकिन इसके क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाती है, यानी कि इस ब्लैक होल का जो भी क्षेत्र रहेगा इससे कोई भी वस्तु इसके बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण इस प्रकार का होता है और इस यानी ब्लैक होल के कुछ दूरी पर ही रहेंगे तो ये ब्लैक होल जो है कि बहुत तेज़ी से हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, खींच सकता है। दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ इस ब्लैक होल के आवाज़ को महसूस कर सकते हैं, इस ब्लैक होल के अंदर जाने की अगर कोशिश करेंगे तो फिर कभी दोबारा हम वापस आ नहीं सकते दोस्तों। कुल मिला जुला करके इस ब्लैक होल में केवल और केवल अंधकार को हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कितनी अधिक होती है इसके बारे में भी हम कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों। दोस्तों सवाल यह आता है कि ब्लैक होल बनता कैसे है। जब बहुत बड़े और भारी तारों का ईंधन जल जाता है उसमें एक विस्फोट होता है जिससे कि न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल का निर्माण होता है दोस्तों। इस प्रक्रिया को सुपरनोवा कहते हैं। इसमें जिन तारों का केंद्रक हल्का होता है वो न्यूट्रॉन तारे और जिन तारों का केंद्रक जो है कि भारी होता है वह ब्लैक होल का निर्माण करता है। तारों की जो मृत्यु है उनके द्रव्यमानों पर निर्भर करती है। ऐसा इसलिए होता है कि द्रव्यमान जो है तारों का ज़्यादा होने के कारण उसमें जो है कि गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा हो जाता है और जब गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी चीज़ में ज़्यादा होता है तो उनका जो टेम्परेचर होता है वह ज़्यादा होता है जिससे कि तारों के अंदर जो भी मटेरियल रहेगा वह जल जाता है और तारे जो है कि जल्दी से मर जाते हैं दोस्तों। दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे अगर तो रेड ड्वार्फ एक तारा होता है जिसका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। अगर जिस भी चीज़ का द्रव्यमान अगर कम है तो उसके मरने की चांसेज कम हो जाती हैं। ऐसा यानी कि तारों में होता है दोस्तों, यानी कि रेड ड्वार्फ का जो यानी कि द्रव्यमान है कम है। जब द्रव्यमान कम है तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल भी कम रहेगा और जब गुरुत्वाकर्षण बल कम रहेगा तो यहाँ का टेम्परेचर जो है कि वो बहुत ज़्यादा हीट नहीं होगा और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हीट नहीं होगा तो यहाँ के जो मटेरियल रहेंगे वो सेफ बचे रहेंगे और जो मटेरियल सेफ रहेगा तो रेड ड्वार्फ जो यानी कि तारा है यह भी पूर्ण रूप से सेफ रहेगा दोस्तों। तो जिसका यानी कि द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा वो जल्दी मरेगा, जिसका द्रव्यमान कम रहेगा वो यानी कि बाद में मरेगा। ज़्यादातर तारे जो कि सूर्य से 20 गुना या उससे अधिक होते हैं वे जब यानी कि अंत में आते हैं तो वो सिकुड़ने लगते हैं और सिकुड़ते हुए वो ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। दोस्तों ब्लैक होल में समय कैसे बदलता है इस चीज़ को जानते हैं। दोस्तों ब्लैक होल के पास जो है कि समय धीमी गति जो होता है वो हमारे यहाँ जो है कि तेज गति होता है, यानी कि ब्लैक होल का जो है कि कुछ पल बिताए हुए हमारे यहाँ पे हजारों साल के बराबर होता है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि ब्लैक होल में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है और जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है वहाँ पे समय जो है कि बहुत ही कम लगता है और जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता है वहाँ पे जो है कि समय आपका ज़्यादा लगता है। यानी कहने का मतलब कि हमारे पृथ्वी से कई हजार गुना जो है कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो वहाँ पे अगर हम एक घंटे का टाइम बिताएंगे तो हमारे पृथ्वी पर कई हजारों साल के वो बराबर हो जाएगा दोस्तों। अगर वहाँ पे जो है कि एक चम्मच मिट्टी को हम लेते हैं तो यहाँ पे कई हजार टन के बराबर होते हैं। दोस्तों आप समझते हैं कि ब्लैक होल के कितने प्रकार होते हैं। तो ब्लैक होल के दोस्तों चार प्रकार होते हैं।
तार्किक होता है, मध्यवर्ती होता है, सुपरमैसिव होता है, मिनिएचर होता है। तार्किक क्या होता है, जब एक बहुत बड़े तारे का केंद्र जो है कि स्वयं ढह जाता है या स्वयं गिर जाता है तो यह जो है कि तार्किक ब्लैक होल बनाता है या फिर इसे हम स्टेलर ब्लैक होल कहते हैं दोस्तों। जब ऐसा होता है तो यह सुपरनोवा का कारण बनता है जो कि विस्फोट करने वाला तारा होता है दोस्तों। दूसरा आता है दोस्तों मध्यवर्ती, इसका जो द्रव्यमान होता है सूर्य के 100 गुने से लेकर के 1,00,000 गुने के बराबर होता है दोस्तों। तीसरा आता है सुपरमैसिव दोस्तों, इसका जो द्रव्यमान होता है सूर्य के 1,00,000,000,000 गुना के बराबर होता है जो हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा सहित अनेकों केंद्रों में पाया जाता है। चौथा आता है मिनिएचर दोस्तों, इसे क्वांटम मैकेनिकल ब्लैक होल या फिर जो कि मिनी ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ये काल्पनिक रूप में बहुत ही छोटे होते हैं दोस्तों। दोस्तों ये जो ब्लैक होल होते हैं ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विलन माना जाता है इनको, और ये आकार में जो है कि सूर्य से काफ़ी बड़े होते हैं, और जो यानी कि सबसे बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है यह लगभग सूर्य का 33 अरब गुना बड़ा होता है दोस्तों। अगला जो सवाल आता है कि क्या ब्लैक होल पृथ्वी को और अन्य ग्रहों के साथ साथ सूर्य को भी तबाह कर सकता है क्या? जी हाँ दोस्तों, लेकिन खुशी की बात यह है कि जो ब्लैक होल है यह हम लोगों के प्लैनेट से और सूर्य से काफ़ी दूर पे है। सपोज करिए कि एक ब्लैक होल सूर्य के बराबर हिस्सा में आ जाए सूर्य के पास, तो वह जो है कि एक सूर्य की भांति ही कार्य करेगा, यानी कि जितना ग्रेविटेशनल जो फोर्स जो होता है सूर्य के पास होता है उतना ही ब्लैक होल के पास रहेगा, और हमारे जो प्लैनेट है वह उस ब्लैक होल के चारों तरफ जो है कि नाचने लगेंगे। लेकिन अगर गलती से जो है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल अपना रास्ता भटक करके आ जाए तो वह सबसे पहले जो है कि नेपच्यून को डिस्टर्ब करेगा, नेपच्यून को निगल जाएगा। उसके बाद नेपच्यून को निगलते निगलते वह धीरे धीरे यानी कि और आगे की ओर बढ़ेगा, और इसी प्रकार करते करते पृथ्वी को भी निगल जाएगा, और एक समय आएगा कि जो है कि हमारे सूर्य यानी कि जो सूर्य होता है हमारे सोलर सिस्टम में, उस सोलर सिस्टम में सूर्य को भी निकल सकता है वो दोस्तों। अगर दोस्तों हमारी पृथ्वी जो है कि ब्लैक होल के अंदर आएगी तो ठीक उसी प्रकार से संबंध में आएगा जैसे कि हम लोग मैगी या नूडल्स जो है कि खाते हैं, यानी कि ब्लैक होल के अंदर पृथ्वी एकदम जो है कि मैगी की तरह यानी कि लगेगा दोस्तों। ब्लैक होल जितना छोटा रहेगा उतना हम लोग को ज़्यादा परेशान करेगा, ब्लैक होल जितना बड़ा रहेगा उतना हम लोग को कम परेशान करेगा, लेकिन मरना तो दोनों में है। यानी कि छोटा ब्लैक होल रहेगा तो हमें धीरे धीरे जो है कि मारेगा, और बड़ा ब्लैक होल रहेगा तो एक ही बार में आएगा और हम लोग को मार देगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों सूर्य से जब तक सूर्य है हमारे पास सौरमंडल में तब तक ब्लैक होल से कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि जो सूर्य का एज है लगभग 10 अरब साल एज है, उसमें से 4.6 अरब साल बीत चुका है, अभी 5.4 अरब साल बीतना है, यानी कि इसके बाद ही ब्लैक होल जो है कि आएगा, उससे पहले ही जो सूर्य है वो खुद ही पृथ्वी को निगल सकता है दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल आता है कि ब्लैक होल का अंत कैसे होगा? तो स्टीफन हॉकिंग के अनुसार जो है कि ब्लैक होल में जो द्रव्यमान होता है उस द्रव्यमान में कमी आएगा, और इस द्रव्यमान में कमी के अनुसार जो है कि ये ब्लैक होल एक दिन अपने आप जो है कि नष्ट हो जाएगा, और इस ब्लैक होल पर जो है कि घनत्व बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि हम लोग की पृथ्वी का घनत्व जो होता है उससे कहीं ज़्यादा जो है कि इस ब्लैक होल का घनत्व है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ें जो है कि संकुचित रूप में है, यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि कईयों कुंटल कईयों टन जो है कि मिट्टी रहेगा तो वहाँ पे एक चम्मच के बराबर रहेगा, तो समझ जाए कि वहाँ का डेंसिटी कितना ज़्यादा होगा दोस्तों। यानी कि पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं वो विस्तृत रूप में वहाँ पर बहुत कम मात्रा में वहाँ पर मिल सकता है, यानी कम मात्रा में तो मिलेगा लेकिन वो काफ़ी विस्तृत है अगर हम पृथ्वी की तुलना करें तो। जैसे हमारा एज जो है कि यहाँ पे अगर 100 साल है तो वहाँ पे जो है कि 10 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे चलती हैं दोस्तों। ब्लैक होल जो है कि वो पृथ्वी से कितना दूर है? तो ब्लैक होल जो है कि वो पृथ्वी से 657 मिलियन जो है कि प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन इससे निकलने वाला जो यानी कि रेडिएशन है वो पृथ्वी तक पहुँच रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये ब्लैक होल का यानी कि खतरा जो है कि हमारे ऊपर मंडरा रहा है। तो हो सकता है कि सूर्य के बाद जैसे अभी तो 5.6 साल जो है कि सूर्य को और चलना है यहाँ पे, उसके बाद जो है कि इस पृथ्वी को और इस सूर्य को और बाकी जो भी यानी कि हमारे इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें उसको निकलते हुए हम सभी को खत्म कर सकता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था कि ब्लैक होल क्या होता है, तो ब्लैक होल के बारे में हम लोगों ने समझा कि यहाँ पर कोई भी साइंस का नियम कानून काम नहीं करेगा, यानी कुछ भी हम कर ले, बहुत से साइंटिस्ट जो है कि ब्लैक होल के बारे में पता लगाने गए और ब्लैक होल के बारे में पता लगाने गए लेकिन उसके एक एरिया के अंदर अगर गए तो वो अंदर चले गए और फिर वापस कभी आए नहीं। बहुत से यानी कि हम लोग अगर ब्लैक होल के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो टेलीस्कोप के सहायता से जो है कि ब्लैक होल को यानी कि उसका फोटो या उसका कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। अगर हम ब्लैक होल के पास जा करके यानी कि ब्लैक होल के बारे में जानकारी ले
तो हो सकता है कि वो हमारा अंतिम दिन होगा, यानी कि ब्लैक होल के पास जाए और उसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है कि हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर ले। तो दोस्तों आज का ये ब्लैक होल का टॉपिक जो है कि आप सभी को कैसा, अगर ब्लैक होल का टॉपिक आप सभी को पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर करेगा। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार का कुछ वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।